नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सचिन पायलट से पत्रकारों ने पूछा कि अशोक गहलोत ने उन्हें खूब भला बुरा कहा था, क्या वो इसका जवाब नहीं देंगे? इस पर सचिन पायलट ने जवाब दिया, मैंने अपने परिवार से जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी हो और किसी दल में हो, तब भी इस प्रकार की भाषा का मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। सचिन पायलट अभी भी अपने आलोचकों को निशाने पर लेने से कतरा नहीं रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा, मैं घर गाड़ी के लिए पद लेने वाला इंसान नहीं हूं, मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार को नेतृत्व देने का काम मैं आज से नहीं दो दशक से कर रहा हूं और करता रहूंगा, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी में भाईचारा बरकरार है, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक एक साथ हैं और एक भी व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि लड़कियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी। अदालत ने यह साफ किया कि पिता के ना रहने पर भी जितने वारिस जिंदा हैं उनमें बेटियों के या वारिसों की जिंदा बेटियों का हक बना रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। उन्होंने कहा कि रूस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को ये वैक्सीन लगाई गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे रजिस्टर करा लिया है। दुनिया रूस की कोरोना वैक्सीन को संदिग्ध नजरों से देख रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है जितनी ब्रिटेन या अमेरिका की वैक्सीन की जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल काफी अहम होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक वैक्सीन के प्रभाव की जाँच की जाती है, लेकिन रूस की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। जाने माने शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। उन्होंने सोमवार को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी, उससे पहले उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। अस्पताल के अनुसार ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। कोरोना से लड़ने के उपायों और कामयाबी पर हुई समीक्षा बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उदार वित्तीय सहायता पैकेज की मांग की ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि राज्य आपदा राहत कोष में से कोरोना के लिए 35% रकम निकालने की जो मौजूदा सीमा है उसे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि इतने पैसे से कोरोना से लड़ना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 10 राज्यों में यदि कोरोना को हरा दिया गया तो पूरे देश में कोरोना पर जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि कुल कोरोना के मामलों में से लगभग 80% इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने BSNL को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि BSNL के कर्मचारी देशद्रोही हैं, जो एक प्रसिद्ध फर्म को विकसित करने के लिए काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार BSNL का निजीकरण करेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या CBI, इस पर अपना आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दे सकता है। भारत में एक दिन में 53,601 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 871 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 45,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,39,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है और संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 7,34,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 15,81,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,89,000 से ज्यादा हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।